मर्ज ऑपरेशन इन मोंगो डेटाबेस। मोंगो डीबी के अंदर जो मर्ज ऑपरेशन है ये किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दोबारा से आ गया हूँ, जो ओरिजिनल वाइज आपको मिलेगी। इसके ऊपर इन्होंने मर्ज ऑब्जेक्ट एग्रीगेशन के नाम से जो है ना एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे जो मर्ज डॉक्यूमेंट होता है ये एक टर्म यूज होती है कि आपने दो डॉक्यूमेंट को, दो कलेक्शन को, मल्टीपल डेटाबेसेस को आप एक सिंगल जगह पे मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जो वेज होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको हर नोएसक्यूएल डेटाबेस जो है ना प्रोवाइड करे, जैसा कि ये अभी फिलहाल हमें प्रोवाइड कर रही है मोंगो डेटाबेस। बाकी जो नोएसक्यूएल के डिफरेंट ब्रांड है जिसमें न्यू 4j है और बहुत सारे दूसरे भी मतलब नोएसक्यूएल के वर्जन हैं, तो वो सारे आपको इस तरह के ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके लिए जो वेज यूज होते हैं वो मैंने आपको पीछे भी थोड़ा सा गाइड किया था मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, कि हम किसी थर्ड पार्टी लैंग्वेज के अंदर टूल के थ्रू जो है ना ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नोएसक्यूएल के वर्जन हैं जो आपको इस तरह के ऑपरेशन के लिए प्रॉपर वे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे ये मोंगो डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है। इसमें होता क्या है कि आपको दो सिंगल डॉक्यूमेंट को जो है ना एक दो डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट की शक्ल में जो है ना आपको शो करवा सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहीं पे। इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है जो कि काफी मतलब क्लियर है, तो हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं इसमें। अब ये इन्होंने सबसे पहले आपसे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है ऑर्डर्स के हवाले से। अब ऑर्डर्स के अंदर इसने दो ऑर्डर के रिकॉर्ड की कलेक्शन इंसर्ट करवाई है। उसके बाद आप से आइटम्स की एक कलेक्शन बनवाता है, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंटर करवाता है, और उसके बाद जो है ना ये यूज करता है मर्ज ऑपरेशन, जिसे एग्रीगेट के नाम से जो है इन्होंने ऐड किया हुआ है, डीबी ऑर्डर एग्रीगेट। फिर उसके बाद आगे उन्होंने फर्दर कंडीशंस लगाई हैं, और उन कंडीशंस के अगेंस्ट जो है ना आपको जो है ना ये एक सिंगल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट की शक्ल में जो है ना शो करवाएगा, और आउटपुट जो आएगी वो इस फॉर्म में आपके पास आएगी, और ऑन द जिसे कहें रन टाइम के ऊपर आएगी। ये आपकी बैकएंड में डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज हार्ड कॉपी के तौर पे सेव नहीं हो रही होती, आपको जो है ना जस्ट क्यूरी के रिजल्ट इस तरह मिल रहे होते हैं। अब ये आप आउटपुट इसको जरा देख लें ये किस तरीके से है। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर्स की कलेक्शन है किस तरीके से बनवाई है, उसके बाद आइटम्स की कलेक्शन किस तरीके से बनवाई है। ऑर्डर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें प्राइस की फील्ड है, और जो आइटम्स की फील्ड है, आइटम्स की कलेक्शन है, इसके अंदर जो है ना प्राइस की फील्ड नहीं है, ठीक है। अब जब इन्हें मर्ज करना है, उसने मर्ज करने के बाद जब हमें रिजल्ट देगा तो उसके अंदर आपको ये ना ये प्राइस की फील्ड ये इसके एक ही मतलब रो के अंदर आपको मिलेगी। अगर सपोज के जैसे वन है तो वन को वन ही एक ही रिकॉर्ड बना देगा, टू है तो टू को भी एक ही रिकॉर्ड बना देगा, और उसके अंदर जो जो आइटम्स जो है ना मैप कर रहे हैं वो तो सेम रखेगा फील्ड्स के, और जो नहीं है उसको वो साथ में प्लस करके आपको शो करवाएगा। उसके बाद अब ये 3 2 1 इस तरह जो है ना इसने जो है ना आपको शो करवाना है। ये दो रिकॉर्ड बना के तो दिखा रहा है, ये नीचे हम आते हैं। अब इसने किया क्या है, 1 और 2 उसने कहा सिर्फ दो ही रिकॉर्ड बने। फर्स्ट के अंदर जो है ना उसने मर्जिंग कुछ इस तरह की है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 3, ये प्रोडक्ट 1 और ये प्रोडक्ट 3। अब इसके अंदर जो 2 वाला जो आइटम है इसने इसलिए स्किप किया है कि ये आइटम ऑर्डर के अंदर है नहीं, कि ऑर्डर जो है ना ये 2 के ऊपर आया है, सिर्फ ABC और JKL, तो इसने इन दोनों को उठाया है, उनकी फील्ड्स को आपस में मर्ज किया है, और एक ही जगह पे आपको एक ही मतलब रिपोर्ट के तौर पे शो करवा दिया है, जिसे हम ये नीचे देख सकते हैं। ये देखें आइटम उसने दिया है, उसका नेम दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, प्रोडक्ट 1 जो भी थी मतलब उसका कॉन्टेंट था, उसके बाद इन स्टॉक, प्राइस, ऑर्डर, वॉट एवर जो भी इसकी फील्ड थी, उसने एक ही रो बना के आपको सारी फील्ड एक जगह इकट्ठा करके उसने दिखा दी है, ऑर्डर की भी और आपके आइटम की भी, और उसका सिंटैक्स जो है ना ये उसने ऊपर मेंशन किया है। इसी तरीके से फिर वो आगे उसने एक और एग्जांपल हमें दी है, उसमें कुछ आपको सेल्स की कलेक्शन बनवाई है। सेल्स की कलेक्शन बनवाने के बाद नीचे उसकी क्यूरी बनाई है, जो मतलब अंडरस्टैंडिंग के हवाले से काफी ईजी है। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पर 1 2 3 4 चार आइटम्स जो है ऐड करवाए हैं। उस आइटम के नेम अब अगर आप चेक करें तो ए ए फिर बी बी। अब जब उसे एग्रीगेट का दोबारा से क्यूरी देता है तो क्यूरी के अंदर कहता है कि इन इन आइटम्स के जो नेम है उनको ग्रुप कर दे। ग्रुप करने के बाद एक सिंगल रो बना के दिखाया जाता है। अब उसने क्या किया है कि ए जो था वो एक ही बना दिया, ए को जैसे उसने ए बनाया, और उसकी जो यूनिक रिकॉर्ड्स थे उसको उसने मर्ज करके ये देखें
वो आ गया आपके पास, पूरी एक उसने फील्ड्स, जो एक फील्ड्स की लिस्ट थी वो बना दी। अब टोटल आइटम इसमें 4 थे, लेकिन क्योंकि ये अगर हम ए को दोनों को मर्ज करेंगे तो ए की रिकॉर्ड बनेगा, बी को भी इसी तरह तरीके के साथ है। और इनके जो फर्दर फील्ड्स हैं उनको मर्ज करने के बाद जो यूनिक होंगी वो साथ में शो हो जाएंगी, और जो सेम होंगी वो एज इट इज रहेंगी। और यही इसने नीचे रिजल्ट के अंदर किया हुआ है।